भुवनेश्वर एम्स रे विरल गला कर्कट ऑपरेशन दीर्घ 14 घंटा धरी चलिथिबा ऑपरेशन सफल हेबा सह जणे युवतीक जीवन रक्षा करा जाई पारिछि। जगतसिंहपुर जिल्लार 25 वर्ष वयस्का जणे युवती प्राय एक वर्षरु अधिक समय धरी विरल गला कर्कट रोगरे पीड़ित थिले। भुवनेश्वर एम्स को आसिबा पूर्वरु युवती जणक राज्यर विभिन्न हॉस्पिटल को एहार चिकित्सा पई जाईथिले किंतु कोनोसी सुफल मिलिनथिला। बाक जंत्र एवं खाद्य नळीर संयोग स्थल रे होईथिबा एहि ट्यूमर फळरे युवती जणक श्वासक्रिया एवं कथा कहिबारे भीषण समस्यार सम्मुखीन होउथिले। तेबे विकिरण एवं केमो प्रतिरोधी एहि विरल कर्कटरु उपशम देबा तथा तांकर जीवन रक्षा करिबाकु एम्स भुवनेश्वर ईएनटी ओ गैस्ट्रो सर्जरी विभागर युव डाक्तरमानंकु नै गठित एक 10 जणिया डाक्तरी दल प्राय 14 घंटा धरि अस्त्रोपचार करथिले। ईएनटी विभागर विशेषज्ञ डाक्तर बाक जंत्र श्वास नळी एवं खाद्य नळीर उपर भाग एवं थायरॉइड ग्रंथि किसी अंश अस्त्रोपचार द्वारा बाहर करते हीपरी गैस्ट्रो सर्जरी विशेषज्ञ बृहदंत्र एक अंश को काटी बाहर करने सहित हृत्पिंड निकट में एक कृत्रिम टनेल सृष्टि जीभर मूल सहित पाकस्थल को संजोग करते प्रक्रिया द्वारा युवती एक नूतन खाद्य नली सृष्टि जटिल एवं विरल कर्कट रोगर अस्त्रोपचार पर रोगी को आईसीयू में रखाई अस्त्रोपचार दुई मास परे युवती जणक वर्तमान सुस्थ अनुभव करने सह स्वाभाविक भाव श्वासक्रिया संपादन करिबा एवं खाद्य ग्रहण करुछंती। आलोचना करिबा आम सहित एम्स भुवनेश्वर आसोसिएट प्रोफेसर दिलीप कुमार सामल जोड़ी होती। डॉक्टर सामल आपको आलोचना को स्वागत करने को चाहिए। आपण से ही टीम रे सामिल थे कारण ये एक विरल एवं जटिल अस्त्रोपचार थिला दीर्घ 14 घंटा धरी ऑपरेशन चली बड़ चैलेंज थिला आपण मानक सामना रे। डॉक्टर सामल नमस्कार। आज्ञा। ए रोगटा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रोग थिला एवं बड़ रेयर डिजीज था। नॉर्मली जो कैंसर देखो ए झियोरो टिके अलग रोग प्रकार कैंसर थिला जोटा की केमोथेरेपी बा लाइट हम जो कुछ रेडियोथेरेपी सेथरे तार ट्रीटमेंट संभव नुहे तेणु यार गोटे ऑप्शन थे कि तार ट्रीटमेंट हो सर्जरी एवं बहुत रिस्की सर्जरी जो थे कि आमको अराउंड 20% रिस्क थाए लाइफ पे जीवन जीवार भी रिस्क थाए तो ये सब पर भी आम पेसेंट को बुझेला परिवार वर्ग राजी हेले आम जटिल सर्जरी आरंभ कलु आमर सर्जरी अलमोस्ट 14 घंटा पर्यटन चलला रात 12:30 सर्जरी सरला एम जमी आप कहले तार श्वास नली आयस बक्स एवं खाद्य नली किसी अंश तक थायरएड ग्लांड को बाहर करने को पड़ा तेनालीर पेसेंट केमती खाइब तापाई आम खाद्य रास्ता तैयारी कलु तापर जो पेटर अच्छे लार्ज इंटेस्टाइन ताको छाती पटे आमर जो स्टर्नम अच्छे ब्रेस्ट बोन कहते सहीटा और हार्ट ता मझी दे कि गोटे टनेल बनई ताको आम आनलु बेक पाखक आणकर जीभर संजोग कलु आउ गोटे पट जाकि पाकस्थल लगेगा आ जेहेतु आम तार भयस बक्स कैंसर थी भयस बक्स टाक बाहर करदेलु तेना सबुदिन गोलें गोटे बेकरे गोटे जो रिमेन्ड पार्ट अफ ट्राके जो एयर जी अंश था आणकि परमानेंटली गोटे रास्ता बनल जो थी से श्वास नहीं पार गोटे बहुत जटिल सर्जरी थी आम टीम बहुत लोग समाव बहुत भिजिलेंट थे ऑपरेशन पर पेसेंट आईसीयू थी आईसीयू सब आम जो नर्सिंग स्टाफ आम स्पीच थेरापिस्ट स्वाल्व थेरापिस्ट समस्त दायित्व नहीं समस्त बहुत क्लोजली मॉनिटर करे जहाँ पेसेंट अराउंड 2 सप्ताह पर आम धीरे धीरे पानी पीवाई देलु तापर धीरे धीरे खाइबा स्टार्ट कलु आज 6 सप्ताह पर पेसेंट आम बहुत भल अच्छी कथा कह कथ कह असुविधा कम्युनिकेट करडबुल भयस न शुणा जाऊनि कि जहाँ कह बुझी खाऊ ठीक रे सब खाद्य खाईपुर रोगी जनक आज्ञा से निजे आसते आज वार्ड रसिक भात भी खाऊ से फोटो भी रखी थूँ से बहुत खुशी अच्छा एवं अलमोस्ट आम सब रोग बाहरी जाइए जेहेतु रेडियोथेरापी और केमोथेरापी किसी यार अप्सन ना आंतु आम रोग बाहर को देचु आम भावु आज 6 सप्ताह पर गोटे पेट स्कैन करके देखा काले गोटे रोग रही जाए कि आम हिसाब से आम बहुत ही सफलतापूर्वक सर्जरी हो डॉक्टर सामल आप कहे जो ट्यूमर अवस्थित था बाक जंत्र खाद्य नली संयोग स्थल ट्यूमर टी एवं ता सहित रेडिएशन एवं केमो प्रतिरोधी ये थिला विरल कर्कट थिला तेणु ये गोटे मात्र ही ऑप्शन थिला सर्जरी करिबार तेणु आम कहीपर जे यही प्रकार जटिल ऑपरेशन ताहा ओडिसा रे होईछि एम्स भुवनेश्वर रे होईछि ये मध्य गोटे बड़ सफलता आज्ञा
ଏଇସବୁ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଗରୁ ତ କେତେବେଳେ ଆମକୁ କି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ନହେଲେ ବାହାର ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ବା ସମ୍ଭାବ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଠାଉ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସର୍ଜରୀ ସର୍ଜରୀ ଯୋଉଠି ବି ଗଲେ ବି ଏତେ ରିସ୍କ ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ନା ଏତିକି ରିସ୍କ ନେଇକି ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରେଇବାନି, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିବା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆମେ କଲୁ। ସମୟ ଆମର ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସର୍ଜିକାଲ ଗେଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ସିଏ ବି ଆମର ବହୁତ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ଏବଂ ସମୟ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆମେ ଆମର କଲୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା, ନହେଲେ ପେସେଣ୍ଟର ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଆଗରୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଏମ୍ସରେ କରିପାରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ସର୍ଜରୀ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମର ସେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ତମେ ସବୁ କର, ଏବଂ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଉଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ କି ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ କରିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସାମଲ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମଲ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କି ନିଜେ ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏହି ବିରଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଭଳି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗଳା କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଇ ଆଣ୍ଟି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର 10 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମଲ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।